कुमाऊं मंडल में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। बता दें कि नैनीताल में पिछले 24 घंटे के अंदर 117 mm बारिश हुई है। ताजा जानकारी के मुताबिक नैनीताल जिले में एक राज्य मार्ग सहित 19 सड़कें बंद हैं, जिनको खोलने का प्रयास भी किया जा रहा है। इसके तहत ही भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए नैनीताल जिले में सभी स्कूल बंद हैं। डीएम ने सभी प्रशासनिक अधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। सिटी मजिस्ट्रेट के मुताबिक फिलहाल हालात सामान्य हैं। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, आज भी वेदर की वार्निंग है और वार्निंग को लेकर आज स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है, लेकिन आज वर्षा की जो मात्रा है वो अभी बहुत अधिक नहीं है। कहीं से कोई नदी नालों में स्तर बढ़ने की या जल भराव की अभी तक कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। जहां तक बात है लॉन्ग टर्म प्लानिंग की, तो जिला प्रशासन और जो हमारे विभाग हैं वो इस पर काम कर रहे हैं। अभी जो हमारा रक्षिया नाला है उसका जो आउटफॉल है उस पर ADB द्वारा जो सहायतित कार्यक्रम है उसके तहत नाले को डाइवर्ट करने का और उसके डिस्चार्ज को कंट्रोल करने का और उसको एक नियंत्रित जगह पर छोड़ने के लिए काम चल रहा है। इसी प्रकार जो इंदिरानगर नाला है या जो देवखड़ी नाला है उसके लिए भी प्लान ADB के द्वारा तैयार किया गया है। इस सब को एग्जीक्यूट होने में लगभग एक वर्ष का समय लगने की संभावना है और उसके बाद मुझे लगता है कि ये जो जल भराव की जो स्थिति आती है शहर में उससे निजात मिलने की पूरी